सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। हमारे देश में प्राचीन काल से ही यह अवधारणा रही है कि यज्ञ और अनुष्ठान सभी तरह के आपदा और विपत्तियों को दूर करने के लिए कराए जाते हैं और पलामू शुरू से अध्यात्म का क्षेत्र रहा है, तो पलामू में हर वर्ष यज्ञ का और कई सारे अनुष्ठान का आयोजन भी कराया जाता है। इस बार तरहसी प्रखंड के पाठक पगार पंचायत में दिव्य शिव शक्ति पीठ देव भोग आश्रम महादेवबाड़ा में यज्ञ का आयोजन कराया जा रहा है, जहां यज्ञ के सफल बनाने को लेकर कमेटी का भी गठन कर लिया गया। कमेटी की बैठक में कार्यकारिणी मंडल को चुना गया और इसके साथ ही साथ विशेष सहयोगी के तौर पर बांके विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, वहां के स्थानीय मुखिया मंटू सिंह और गिरेंद्र भारती को विशेष जिम्मेवारी दी गई। आपको बता दें कि महादेवबाड़ा में इससे पहले भी यज्ञ का आयोजन हो चुका है और यज्ञ को सफल बनाने को लेकर कमेटी ने यज्ञ स्थल का निरीक्षण भी किया। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताना जरूरी होगा कि महादेवबाड़ा जो 700 वर्ष पुराना वहां मंदिर स्थापित है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव खुद वहां अवतरित हुए थे और उसके बाद से लगातार कई सौ सालों से वहां पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वहां जो भी मन्नत मांगा जाता है वो पूरा होता है। लोगों का श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा से हजारों लोग वहां प्रत्येक शिवरात्रि को भी जाते हैं और यज्ञ में लाखों लोगों के शामिल होने का अंदेशा है और इसके लिए कमेटी ने पूरी तरह से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। भाई स्थान बड़ी उत्तम लगा, इसलिए हमारा मन कर गया, हम यज्ञ कराने की इच्छा में हैं कि महादेव बाड़ा यज्ञ हो। 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक यज्ञ का विधान बनाया है और हमारे भ्राताओं को ये हमारा रिक्वेस्ट है, आदेश नहीं रिक्वेस्ट, कि महादेव बाड़ा हमारे यज्ञ में आप लोग उपस्थित हों।